उत्तर प्रदेश भाजपा के मुखिया, हम सबके अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, माननीय विधायक राजीव गुब्बर जी, जिलाध्यक्ष राकेश जैन जी, प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन जी, प्रदेश मंत्री बसंत त्यागी जी, निकाय संयोजक गौरव रावत जी और हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह जी, कुशल संचालक महोदय, उपस्थित महानुभाव मातृशक्ति, आप सब लोग माननीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा समय की विवाद नहीं बनूंगा, लेकिन चंद शब्दों में ही ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों चाहिए हमको तीसरे इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार ने देश को कैसे बदल दिया, प्रदेश को कैसे बदल दिया, विश्व में कैसे भारत का डंका बजा, एक घटना से आपको बताना चाहूंगा कि अभी सरकार ने मंत्रियों को विदेश भेजा था, पेरिस में गया था। इससे पहले 20 साल पहले हमारे जीजा श्री जो इंदौर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स से, वो भी गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था जाते समय कि वहां पर भारतवासियों को बड़ी हिकारत से देखा जाता है, इसलिए अवॉइड करना किसी को बताने के लिए कि तुम इंडियन हो, ये उनका अनुभव था। मैं पहुंचा मीटिंग के बाद, पेरिस का परफ्यूम प्रसिद्ध है, एक दुकान पर परफ्यूम करने खरीदने गया। वहां के लोगों की अपनी भाषा के प्रति निष्ठा देखिए कि जब तक सामने वाला फ्रेंच नहीं जानता है वो फ्रेंच में ही बात करते हैं। तो पहुंचा, सेल्स गर्ल थी, उसने फ्रेंच में कुछ बोला, मैंने कहा आई डोंट नो फ्रेंच, तो बोली फ्रॉम वेयर यू आर, मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया, ओ फ्रॉम मोदीज कंट्री, फ्रॉम योगी और यूपी, फ्रॉम योगी स्टेट, ये बोली। कितना बदल गया है परसेप्शन, एक तरफ तो 20 साल पहले के मेरे जीजा जी का अनुभव था और एक मैं आज अपना अनुभव बता रहा हूं कि जब वो बोले ओ यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री एंड फ्रॉम योगीज स्टेट, यह बदला है हमारे नेताओं ने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से। ये डबल इंजन सरकार की सरकार का अच्छा है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, इसलिए यहां पर मेयर को भी जिताना है और फिर लोग कह सके ओ यू आर फ्रॉम अजय जी सिटी, ये बनेगा वातावरण। इन्हीं शब्दों के साथ सुने, जो भी भारतीय जनता पार्टी का निशान रखे बैठा है, मिला हुआ है, जिस पे है कमल का निशान, वो है हमारा पहलवान, हमको सबको जिताना है। धन्यवाद। मुझे ऐसा निर्देश हुआ है कि कुछ वक्ताओं से समय चाहते हुए, क्योंकि समय कम है, अभी नामांकन के लिए भी जाना है, तो मैं कुछ